हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएसए टू इंडिया ट्रैवल की जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सिएटल एयरपोर्ट से और हम वहां से नेवाक एयरपोर्ट जाने वाले हैं। सिएटल एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें टिकट और सेल्फ चेक इन करना था। अगले 2 घंटे बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी और इस लाइन में इमिग्रेशन क्लियरेंस करना था। फाइनली दो भाई जा रहे हैं इंडिया। काफी लंबे टाइम के बाद, सो लॉन्ग, 8.5 मंथ्स। और ये जा रहे दिल्ली और मैं जा रहा हूँ मुंबई। कुछ अलग ही फील हो रहा है। लाइक आप सो मेनी डेज लैंड में हम चल रहे हैं और इतना एयरपोर्ट का प्लेन, एवरीथिंग, इमिग्रेशन, सब कुछ नया नया लग रहा है। बिल्कुल, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है पहले से, मतलब कंपेयर टू थिंग्स। सब कुछ चेंज हो रखा है, लाइक स्क्रीनिंग, इट इज़ समथिंग न्यू एक्सपीरियंस वी आर गेटिंग नाउ। इसके बाद हम शटल ट्रेन पकड़ के टर्मिनल बी पर पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपरली मेंटेन थी एयरपोर्ट्स पर और इवन एट टॉयलेट्स, कैफेटेरिया एक्सेट्रा। कुछ ही समय में हमारी फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है और मैं बता दूं, अगर आप सिंगल ट्रैवलर हैं तो मोस्टली आपको 2 सीट्स का डिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि इस तरह। डोमेस्टिक फ्लाइट में आपको हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है, इसके अलावा मिल्स इंक्लूड नहीं होता है। सो वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। Welcome to Newark Liberty International Airport. The current time is 3:35. Please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. You may continue to use and charge your phones and other small devices. If you are sitting in an exit row, please refrain from plugging your devices into the outlets. Please check your seat back pocket and area around your seat to make sure you... हमारा next destination जो था नेवाक, वो आ चुका है। So यहाँ से direct मुंबई की flight रहेगी। फाइनली मेरा सेकंड ऑफिसर जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है और मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो यहाँ से बिछड़ने का समय आ गया। अभी दोनों के गेट्स अलग अलग हैं, मैं जा रहा हूँ उस साइड में और वो पीछे में जा रहा हूँ। तो अभी बिछड़ने का समय आ गया। एनीवेज चलो, अभी तक
सिएटल से नेवाक मेरी फ्लाइट जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बराबर हुआ है और अभी फ्लाइट ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स में है। मैं क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी एयर सुविधा फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया हो। इन केस नहीं है तो आप किसी की हेल्प लेके ये फॉर्म वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। नेवाक से मुंबई लगभग 15 घंटे की जर्नी रहने वाली है। और फाइनली हम मुंबई पहुंच गए। और एग्जिट होने से पहले ये लाइन में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका होम टाउन कहाँ है और आपका क्वारंटीन सेंटर कहाँ होने वाला है। और इस ब्लॉग की एंडिंग मैं होटल में करूँगा, तो पूरी डिटेल्स बता दूंगा आपको कैसे कैसी प्रोसीजर हुई है फॉलो। आई थिंक पूरी जर्नी अच्छी रही है, काफ़ी अच्छी रही है जर्नी। चलिए चलते हैं ऑर्किड होटल। तो इस ब्लॉग की एंडिंग में आपको मैं ज़रूरी बातें बता देता हूँ, अगर आप सिएटल से मुंबई आ रहे हैं और वो यूनाइटेड एयरलाइंस है तो मेक श्योर तो आपको एयरपोर्ट पर खुद ही चेक इन करना है, लगेज एंड टिकट भी आपको खुद से ही निकालनी है। बट डोंट वरी, एयरपोर्ट स्टाफ आर देयर टू हेल्प यू। नेक्स्ट प्रोसीजर है इमिग्रेशन, जो कि हर बार की तरह आपको अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाना पड़ता है ताकि वो वेरीफाई कर सके। उसके बाद आप बोर्डिंग में जा सकते हैं। आफ्टर द ट्रांजिट में माई वॉज नेवाक टू मुंबई, सो फ्रॉम नेवाक जो मेरी टिकट पर लिखा था गेट नंबर, डायरेक्टली मुझे वहीं पर जाना था, तो मुझे वापस से ना कोई इमिग्रेशन करना पड़ा। टिकट में दिया हुआ जो नंबर रहेगा उस नंबर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो कि सबसे पहले टेम्परेचर देखा जाता है, उसके बाद अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रेडी रखना पड़ता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी एयर सुविधा फॉर्म, ये ऑनलाइन भी भरा जाता है और पर्सनली आप मैनुअली भी भर सकते हैं, लेकिन मैनुअली भरने के बाद इसकी जो लाइन रहती है वो डिफरेंट रहती है, तो आपको क्यू में डिफरेंटली खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपका टेम्परेचर होगा और ये सबमिट कर सकते हैं। एयर सुविधा फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ नीचे में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो वो लिंक मैं दे दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऑनलाइन एयर सुविधा फॉर्म भर रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिए, उसमें सीट नंबर मांगा जाता है, आप वो ऑनलाइन सीट नंबर यूज़ कर सकते हैं यूनाइटेड एयरलाइंस में जाके। यूनाइटेड एयरलाइंस में आप सर्च करिए गूगल में PNR नंबर, जो कि 6 डिजिट का नंबर रहेगा, आप वो नंबर टाइप करके सर्च करिए यूनाइटेड एयरलाइंस की वेबसाइट पे, और वो आपको PNR के साथ साथ आपको सारी डिटेल्स दे देगा। उसके बाद वहाँ पे सीट नंबर लिखा रहेगा, तो आप अपने मन पसंद की सीट अलॉट कर सकते हैं और वही सीट आप एयर सुविधा में भर सकते हैं, तो उसके बाद ही फिर आपकी बोर्डिंग चालू हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टॉप मुंबई, जो कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। मुंबई पहुंचकर टिकट पर स्टैंप मारा जाता है, जो कि हेल्थ डिक्लेरेशन स्टैंप रहता है, जो कि कुछ ऐसा रहेगा स्टैंप। इसके बाद वो दो कॉपी करते हैं, एक कॉपी वो अपने पास रखते हैं और एक कॉपी आपको देते हैं। अगला स्टेप सेम इमिग्रेशन, आपको अपना पासपोर्ट बोर्डिंग पास विथ स्टैम्प दिखाना ज़रूरी है। वो क्लियर होने के बाद ड्यूटी फ्री से निकलने के बाद मेक श्योर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप हो और वो रजिस्टर्ड हो, उसके बिना आपको आगे जाने नहीं मिलता। इनकेस अगर आपके पास नहीं है उस वक्त, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, या अगर आपके पास सिम कार्ड से कोई इंटरनेट एक्टिवेट है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है जहाँ पर OTP मांगा जाता है, तो आप कॉल करके बोल सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीज़ याद रखिएगा, एयर सुविधा फॉर्म और आरोग्य सेतु, ये दो होना ज़रूरी है। अब सबकी फ़्लाइट्स में अलग अलग प्रोसीजर रह सकता है, यूनाइटेड एयरलाइंस में ये प्रोसीजर था तो मैंने आपको ये इस तरीके से बताया। प्रोसीजर कीप चेंजिंग्स विद द टाइम। और अब लास्ट स्टेप, मुंबई एयरपोर्ट से एग्जिट होने से पहले
और ये लास्ट प्रोसीजर में थोड़ा क्योस हो जाता है कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आ रहे हैं तो पहले फ्रंट में जाके पूछ लीजिए कि कौन सी लाइन में खड़ा होना है। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो आपको मुंबई वाली ही लाइन में खड़ा रहना है। इनकेस अगर आप नासिक से है, अहमदनगर से है, नागपुर से है या पुणे से है, तो उसके लिए लाइन अलग लगेगी। ये आप शुरुआत में ही पूछ लीजिए, वरना क्या होता है कि आप मुंबई की लाइन में खड़े हैं, आपका क्वारंटीन मुंबई में, लेकिन आप बिलोंग करते हैं कहीं नासिक से, अहमदनगर या पुणे से, आप उस लाइन में खड़े हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपको इस लाइन में नहीं उस लाइन में खड़ा होना चाहिए, कि थोड़ा क्योस हो जाता है एंडिंग में। तो मेक श्योर आप ये सब जानकारी ले लीजिए शुरुआत में ही। तो बस मैं यही कहूँगा इस ब्लॉग के एंड में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू हिट अ लाइक बटन। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो डू सब्सक्राइब इट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।